नमस्कार भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको ब्रेजा का एक सेफ्टी फीचर दिखाऊंगा जिसे हिल होल्ड कहते हैं। वो देखना आपको किस तरह काम करेगा। तो गाड़ी अभी हम स्लोप पे खड़ी करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा। तो ये देखो, ये हमारा स्लोप है प्लॉट का कुछ इस तरह का। ये देखो बिल्कुल स्टीप स्लोप है, इसके ऊपर अब हम गाड़ी को चढ़ाएंगे। गाड़ी देखो इसके ऊपर चढ़ रही है और ये देखो ऊंचाई पे है, और अब ब्रेक छोड़ दिए हैं। ये देखो विदाउट ब्रेक गाड़ी खड़ी है। अब ये कुछ टाइम के बाद अपने आप पीछे आ जाएगी, कुछ समय के बाद। ये देखो गाड़ी अभी हिल होल्ड फंक्शन पे खड़ी, ये चली गई, यानी 3 सेकंड तक ये खड़ी रही, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली पीछे चली गई। 3 सेकंड में तो हम भाई प्रॉपरली अपना गियर लगा के गाड़ी को आगे ले जा सकते हैं। ये देखो ये कुछ समय के लिए रुक जाती है और फिर पीछे चली जाती है। अब यही फंक्शन मैं आपको आगे से दिखाऊंगा, मतलब डाउन हिल। ये तो अप हिल का था, सेम फंक्शन अब हम डाउन हिल में परफॉर्म करेंगे। जो अपनी गाड़ी है वो डाउन द हिल कैसे इसको करेगी, मतलब कि अभी तो हम जैसे चढ़ाई पे चढ़ते हैं तो हमारा हिल होल्ड कैसे काम करेगा, अब हम चढ़ाई से उतरते हैं तो डाउन द हिल हमारा हिल होल्ड असिस्ट कैसे काम करता है वो देखेंगे। तो ये देखो स्टीप, ये हमारा जो फ्लोर रैंप है उस पर अब गाड़ी नीचे आएगी, और नीचे आने के टाइम पे भी हम सेम इसी तरह से ब्रेक लगा के छोड़ देंगे गाड़ी को। अब देखो गाड़ी खड़ी है और ब्रेक छोड़ दिए, अब ये 3 सेकंड के बाद दोबारा आ गई, अब दोबारा ब्रेक लगा दिए। अब देखो कोई हैंड ब्रेक वगैरह कुछ नहीं लगा रखा, फिर 3 सेकंड के बाद गाड़ी नीचे आ गई। अब देखो ठीक है ना, तो ये क्या है, डाउन द हिल है, एक अप हिल है। तो ये एक काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है जिसकी हेल्प से हम इजीली गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो फंक्शन है ना भाई, ये हमारा पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम आता है, हिल्स वगैरह पे ये जो हमारा फंक्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा काम आता है। जैसे अभी रिसेंटली मैं केदारनाथ बद्रीनाथ गया था, तो वहाँ पे इस वाले फंक्शन की वजह से मेरे को वो करने की, क्या कहते हैं कि हैंड ब्रेक खींचने की तो ज़रूरत पड़ी ही नहीं, विदाउट हैंड ब्रेक ही मैंने सारा काम परफॉर्म किया है। और इससे क्या हो गया, इस वाले फंक्शन का ये फ़ायदा है कि जैसे कोई जिस भाई को नई नई गाड़ी चलानी आती है उससे हैंड ब्रेक से गाड़ी नहीं उठाई जाती, तो वो भी इजीली क्या कर सकता है, अपनी गाड़ी को इजीली ड्राइव कर सकता है इस वाले फंक्शन की हेल्प से। तो मारुति ने काफ़ी अच्छा फीचर दिया, ये सेफ्टी फीचर के अंदर आता है, हिल होल्ड असिस्ट बोलते हैं इसको। इसमें अप हिल है, डाउन हिल है, दोनों तरह के फंक्शन हमारी गाड़ी के अंदर परफॉर्म होते हैं। और इसके लिए क्या होता है कि आपको ब्रेक दबाना ज़रूरी होता है, मतलब कि जैसे ही हमारी गाड़ी चढ़ाई पे ऊपर चढ़ती है और उसके साथ साथ एकदम खड़ी होगी चढ़ाई पे, आपने ब्रेक दबा रखा है, आप जैसे ही ब्रेक को छोड़ोगे तो 3 सेकंड तक आपकी गाड़ी वहीं खड़ी रहेगी, और उसके 3 सेकंड के बाद आपकी गाड़ी नीचे आ जाएगी। सेम इसी तरह जब हम डाउन द हिल जाते हैं, जैसे आपने वीडियो में भी देखा था, डाउन द हिल में भी क्या होता है कि आपने ब्रेक दबा रखे हैं, गाड़ी गियर के अंदर है, और आपको एकदम बैक साइड लेनी है वापस, मतलब कि आपको नीचे की जगह पीछे ही, और आप स्लोप पे खड़े हो और आपको पीछे ही जाना है। तो क्या आमतौर पे क्या होता है कि हमें हैंड ब्रेक खींच के रखना पड़ता है, और हैंड ब्रेक खींच के ही गाड़ी को बैक करना पड़ता है, बट इस वाले फंक्शन में आपको ऐसा नहीं करना पड़ता। आप प्रॉपरली हैंड ब्रेक को आपकी उसी पोजिशन में रहने दो, डिसंगेज, और आप जैसे ही ब्रेक छोड़ोगे 3 सेकंड तक गाड़ी बिल्कुल स्लोप पे खड़ी रहेगी डाउन द हिल, और फिर आप इसको बैक ले जा सकते हो। 3 सेकंड के बाद गाड़ी नीचे आती है। तो ये क्या था, एक सेफ्टी फीचर था जिसको हिल होल्ड असिस्ट बोलते हैं। ये वाला फीचर भी मारुति ने अब की बार ही दिया अपनी गाड़ी में, इससे पहले ये ब्रेजा के अंदर नहीं आता था। तो काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है जिन भाइयों को कम गाड़ी चलानी आती है उनके लिए, और जो भाई रेगुलर पहाड़ वगैरह में ट्रैवल करते हैं उनको हैंड ब्रेक खींचने से, मतलब हैंड ब्रेक खींचते हैं बार बार, तो उसमें भी क्या होता है काफ़ी परेशानी होती है, बट इस फीचर से हमें इस तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन और भाइयों तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।